हेलो स्टूडेंट्स आई देंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपका जो इलेवंथ और ट्वेल्थ का कंप्लीट सिलेबस करवाते हुए हम जे डब्लू एडवांस लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आई आई टी जेई मेन्स का जो थरो आपको कॉम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है मैथेमेटिक्स सब्जेक्ट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मतलब ये जो सिंगेज पैकेज है एक्चुअली पाँच बुक्स में डिवाइडेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस फैक्टर्स इन थ्रीडी एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर को हर एक कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक को कंसोलिडेट करने के लिए उस पर बेस्ड कई सारे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस और जे डब्लू एडवांस में आई हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चल रहा है फोर्थ चैप्टर सर्कल्स जहां पे हम बात करेंगे कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो क्या हो रहा है मतलब याद है हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि दो सर्कल्स डिसजॉइंट है बिल्कुल दूर हैं फिर हम उन्होंने थोड़ा पास लेकर आए अब क्या हो रहा है भाई अब क्या क्या चीजें होंगी कैसे बात बनेगी आप क्या क्या उनके कंक्लूजन ड्रा होंगे उन पर हम आज के लेक्चर में बात करेंगे एक अच्छा लेक्चर है एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो अच्छे से पढ़ेगा ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किंडा गार्डन से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक अलग boards, अलग बोर्ड्स अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी करा रहे हैं कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है यकीन तौर पर ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन है या फिर कोई पेड वर्जन है जिसके फीचर अनलॉक करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना है बिल्कुल भी नहीं हमारे नोट्स पी और ई e बुक्स के एक्सेस के लिए आप गेट नोट्स एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा वहाँ क्लिक करके हमारी टीम से कोर्डिनेट कर सकते हैं विद डैट सीधे आते हैं आज के लेक्चर पर और बात करते हैं कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो हमारे क्या क्या ऑब्जरवेशंस रहेंगे बात समझो स्टूडेंट्स मान लो ये एक सर्कल है और मान लो यहाँ पर एक और सर्कल है और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को लेट से यहाँ कहीं एक्सटर्नली टच करते हैं ये एक्सटर्नली टच किया तो क्या आप बात समझ पा रहे हो सर जहां अभी तक मैं बात यह करता आया हूं कि सर देखो कॉमन टेंजेंट्स का जो मैं पहलू आपको दिखाना चाह रहा हूं वो समझो सर कि देखो आप एक टेंजेंट तो यहां कहीं कुछ ऐसी बना पाओगे थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट करूं तो आई थिंक एक कॉमन टेंजेंट बन जाएगी बिल्कुल सही कहा सर आपने एक कॉमन टेंजेंट शायद आप यहां कहीं कुछ ऐसी बना पाओगे जिसे मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो चीजें आसान हो जानी चाहिए होपफुली है ना ये आपकी एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगी अब सर यहाँ पर जो वो एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट आप बनाते थे देख पा रहे हो ना ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है बट यहाँ पे दोनों सर्कस चूंकि एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो जो आप ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाते थे वो तो सर इस बार दो तो बनने से रहीं दो क्यों बनने से रहीं जनाब क्योंकि सर दो अगर बन जाती तो फिर तो कहानी अलग ही हो जाती ना दो कैसे बन जाएंगी सर वो तो मेरे ख्याल से बना ही नहीं सकते ना क्योंकि इस बार जहां दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसी पॉइंट पर ये ट्रांसवर्सल आपकी जो टेंजेंट है ये भी तो वहीं उसी पॉइंट पर टच करेगी क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं यानी कि सर पहला ऑब्जर्वेशन तो जो निकल कर आता है वो ये कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो जहां डिसजॉइंट सर्कल्स में आप चार कॉमन टेंजेंट्स बना पाते थे दो डायरेक्ट दो ट्रांसवर्सल यहां आप तीन ही बना पाएंगे दो डायरेक्ट और सिर्फ एक ट्रांसवर्सल और बिल्कुल सर डायरेक्ट के बारे में जो भी ख्याल हो आप अपना रखिएगा पर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजिट अनडाउटेडली उस पॉइंट से पास होगी जहां पर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे क्या ये बात आप सभी को समझ आई आई थिंक इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं है अब बात करते हैं अगर सर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो क्या हो रहा होगा मेरा कहना है कि अगर ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है इन दोनों के अगर ये सेंटर्स हैं तो सर सीधी सीधी सी बात है ज़्यादा सोचने या कहने की ज़रूरत है नहीं कि अगर दोनों सर्कल्स ने जो एक दूसरे को टच किया लेट्स से ये सर्कल का सेंटर सी वन और इस सर्कल का सेंटर सी टू और इन दोनों सर्कल्स की अपनी अपनी रेडियस है लेट्स से आर वन और आर टू तो एक्सटर्नली अगर ये दोनों एक दूसरे को टच करें तो क्या आपको ये सीधा सा ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रहा है कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उन दोनों सर्कल्स की रेडियस के सम के इक्वल होती है मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दोनों सर्कल्स के क्या भाई सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उन दोनों सर्कल्स की रेडियस के सम के इक्वल होती है आई थिंक ये तो बिल्कुल सही बात है सर क्या इस बात को समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी आई थिंक ये तो बड़ी सिंपल सी सॉर्टेड सी डायरेक्ट सी बातें जो आप सभी को समझ आई होंगी अब इन्हीं बातों को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं चीजें कैसे निकल कर आपकी आएंगी है ना तो इस बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स कैसे ध्यान से देखना पहला फैक्ट ऑफ कोर्स हमारे पास दो सर्कल्स हैं, कौन से दो सर्कल्स सर एक सर्कल एस वन जो कि कुछ ऐसा है और एक सर्कल आपका एस टू जो कि कुछ ऐसा है हम जानते हैं सर इस सर्कल के सेंटर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस जी वन कामा माइनस एफ वन और इस दूसरे वाले सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर वो हो जाएंगे माइनस जी टू कामा माइनस एफ टू कोई दिक्कत तो नहीं है अब बड़ी सिंपल सी बात है सर दोनों की रेडियस भी निकाल सकता हूँ इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी वही बात जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन इन साइड एंड अंडर रूट और इस सर्कल की रेडियस ऑफ कोर्स आप निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू माइनस सी टू इन साइडर रूट सर ये तीन बातें या चार बातें क्यों कर रहे हो क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि इन दोनों के के सेंटर्स बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी भाई याद करो माइनस कॉमा माइनस एफ वन से माइनस जी टू कॉमो माइनस एफ टू की जो डिस्टेंस होती है सर वो होती है आपकी वही बात जी टू माइनस जीवन का होल स्क्वास क्या एफ टू माइनस एफ वन का होल स्क्वायर इन साइड एंड अंडर रूट और ये जो डिस्टेंस है सर इस बार ये इक्वल होगी इन दोनों की रेडियस किसम के और इन दोनों की रेडियस क्या है सर वन आफ्टर नजर सर पहले की रेडियस है जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी और दूसरे की रेडियस क्या है सर वो है जी टू स्क्वायर मतलब माइनस सी वन है ना जी टू स्क्वायेयर प्लस एफ टू स्क्वायेयर माइनस सी टू आई थिंक ये कंडीशन जो कि देखने में शायद बहुत लेंदिया बहुत अजीब सी लग सकती है पर रियालिटी में यह कैसे काम कर रही है आई होप आपको समझ आ रही है बड़ी सिंपल सी वैल्यूज होंगी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी होगी जो आपको निकालनी होगी बस इस कंडीशन को अप्लाई करके तो पहले तो ये फंडा याद रहेगा क्या इफ टू सर्कल्स इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली अगर वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो यू मस, नो you know, मसला या माजरा कुछ ऐसा रहेगा आई होप ये बात आपको याद रहेगी अगर आप ये बात याद रखते हैं तो अब आते हैं आगे की बात पर सुनिएगा ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना ये कंक्लूजन तो हम दे ही चुके हैं सर कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस उन दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगी और क्या आप कहना चाह रहे हो भाई उन दोनों के सम के इक्वल होगी है ना इन दिस केस हम तीन कॉमन टेंजेंट बना पाएंगे सर ये बात भी हम कर चुके हैं दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा एक और बात वापस इस बार तो शायद मुझे प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है सर कि आप खुद देख पा रहे हो कि ये जो आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है ये जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या उस पॉइंट को निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं और इन दोनों को ये पॉइंट आर वन इस टू आर टू के रेशो में डिवाइड कर रहा है बात खत्म और अगर ये पॉइंट इन दोनों को आर वन टू आर टू के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो क्या इसके कॉर्डिनेट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है आई थिंक मेरे ख्याल से तो नहीं है तो पी के कॉर्डिनेट्स तो कहता सर पी के जो कॉर्डिनेट्स होते हैं पी के कॉर्डिनेट्स क्या कहता गौर फरमाइए सी को हमने क्या माना है हमने माना है जीवन जीवन है ना जीवन कॉमा माइनस एफ वन और सी टू को आपने क्या माना है आपने माना है माइनस जी टू

माइनस आर टू टाइम्स एफ़ वन माइनस आर वन टाइम्स एफ़ टू अपॉन में क्या आर वन प्लस आर टू तो ये क्या होंगे भाई ये क्लियरली एल्जेब्रिकली बहुत अजीब लग रहा होगा बट दिख जाएगा क्लियर बहुत आसान सा दिख जाएगा तो इनके सेंटर्स को आर वन इज़ टू आर टू के रेशो में आपका ये पी पॉइंट जो कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है जो कि टेक्निकली उस पॉइंट पी से पास होगी जहां पर ये दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नली कहाँ टच कर रहे हैं वो पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास ये सीधा सीधा तरीका है नोट डाउन करते रहिएगा स्टूडेंट ये बहुत काम की बहुत क्रूशियल सी हम बातें करते चले जा रहे हैं जिन्हें आपको अच्छे से बनाना है ये मैंने थोड़ा शायद मेसडअप कर दिया बट आप थोड़े से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप इसे सिस्टमैटिक रखिएगा यहाँ लिखते जाइएगा कि पी क्या है भाई वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना ऐसे चीज़ें सिस्टमेटिक रखेगा आप अपने नोट्स बना रहे हो जिन्हें आप बाद में रेफर करेंगे तो आपको पढ़ के समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा था और वही रिविजन के लिए आपका बेस्ट सोर्स होना चाहिए क्योंकि वहाँ पूरी चीज़ें बहुत थरली और कॉम्प्रहेंसिवली डिटेल्ड मैनर में आपने लिखी होंगी इन वीडियोज़ को रेफर करके अब क्या अब अगर मैं काम की बात पर आऊँ तो काम की बात क्या निकल कर आती है सर सुनिएगा ध्यान से हम देख चुके हैं सर आपकी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इस तरीके से आपका जो पॉइंट डी है जो अभी हमने कहा पी आपके सी वन सी टू को इंटरनली हम रियली सॉरी डी तो वो पॉइंट है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली और अगर मैं एक और पॉइंट मान लू सा टी जो कि आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है उसको ऑफकोर्स आपका इस तरीके से डिवाइड करता है अच्छा एक और बात मैं आपसे कहूँ एक बहुत मजेदार सी बात आपसे कहूँ सुनिएगा ध्यान से बहुत ध्यान से सुना ये बहुत मजेदार सी बात है बहुत काम की बात है और बहुत क्रूशियल बात है सुनिएगा बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्लीज इसे ध्यान से सुनना आपके जो दो सर्कल्स है ना स्टूडेंट्स जैसे मान लो ये एक पहला सर्कल है यहां पर एक दूसरा सर्कल है ना ये जो दो सर्कल्स हैं इन दोनों सर्कल्स ने आपस में एक दूसरे को जहां टच किया है उस पॉइंट पर अगर मैंने एक टेंजेंट की, की थी तो ये जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है ना आई रिपीट माई स्टेटमेंट ये जो लाइन है जो कि आप कह रहे हो ट्रांसवर्सल है ना कॉमन टेंजेंट जिसे आप कह रहे हो ये टेक्निकली इस केस में किस केस में जब ये दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं जब दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना इस केस में जब दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली इस केस में ये लाइन महज एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ही नहीं है बल्कि ये आपके लिए एक रेडिकल एक्सिस की तरह भी काम करती है और सर रेडिकल एक्सिस क्या होता है आप हमें सिखा सकते हो क्या अब तो मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा याद आ रहा है क्या रेडिकल एक्सेस क्या होता है स्टूडेंट सर रेडिकल एक्सेस यानी एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से ड्रा की गई इन दोनों सर्कल्स पर टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है यानी कि सर इस स्ट्रेट लाइन पर आप कोई भी पॉइंट चुन लीजिए आपकी मर्जी से कहीं पर भी चुन लीजिए उस पॉइंट से उस पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रा करेंगे उस पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी वो टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होंगी आई होप ये बात तो हमने पढ़ी है तो ये जो आपका ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है ये ना सिर्फ ये कॉमन टेंजेंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये इसके साथ-साथ एक रेडिकल एक्सिस भी है और अगर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है जीवन में ज्यादा परेशान नहीं होना है तो दो तरीके पहला तरीका अगर मुझसे इस कॉमन टेंजेंट की कोई इक्वेशन पूछता तो मैं क्या कहूंगा सर मैं कहूँगा कर C1 और C2 जो इसके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जॉइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उस पर ही परपेंडिकुलर होगी क्योंकि टेंजेंट है ना तो इनकी जो रेडियस है इनकी जो रेडियस है उस पर ही परपेंडिकुलर होगी तो ऑफकोर्स ये जो लाइन है इस पर ही परपेंडिकुलर होगी तो इसकी स्लोप निकाल लूंगा और फिर इसकी स्लोप तो परपेंडिकुलर स्लोप हमें निकालते आते ही है एम वन एम टू माइनस वन होता है दूसरी बात आई थिंक सी वन और सी टू को आर वन और आर टू के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा तो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन लिख लूंगा पर एक बेवकूफ़ शख्स ये करेगा इतना करने की जरूरत ही नहीं है साहब आपको आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना उसके बाद इस की स्लोप निकालना इतनी जीवन में परेशानियां लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर आप क्यों नहीं देख पा रहे हो कि रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन तो निकालना हमने सीखा है सीखा है कि नहीं भाई सर अगर ये सर्कल है एस वन ये सर्कल है एस टू तो रेडिकल एक्सेस की क्वेश्चन क्या होती है जल्दी से बताओ भाई वो हो जाती है एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इतना सा करते हुए कुछ सोचना नहीं है ना पॉइंट ऑफ कंटैक्ट निकालना है ना इनकी स्लोप निकालनी है फिर उसका नेगेटिव रेसिप हो इसकी स्लोप निकालनी है फिर लाइन की इक्वेशन लिखनी है नहीं साहब इतनी मेहनत नहीं करनी है जीवन में इसीलिए तो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसलिए तो हमने अपना वक्त इन्वेस्ट किया है इन अलग अलग चीज़ों को सीखने पर ताकि जब मज़ेदार सी चीज़ें करनी हो तो हम इतनी आसानी से उनको वर्कआउट कर पाए सिर्फ इतना सा पता चल जाने से कि ये एक रेडिकल एक्सिस की तरह बिहेव कर रही है ट्रांसफर्सल कॉमन टेंजेंट कई सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे पर ये सारे हालात आप कहाँ अप्लाई करेंगे ये सारे कंसर्न्स आपके तब होंगे जब आपके सर्कल्स क्या कर रहे हों जब आपके सर्कल्स टच कर रहे हों एक्सटर्नली आई थिंक चीज़ें आसान हैं चीज़ें मुश्किल नहीं है चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई है यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है स्टूडेंट्स आई थिंक अगर यहाँ से चीज़ें हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ते हैं बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात है भाई हम ये बात तो देख ही चुके हैं सर कि जो टी होगा पॉइंट यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो सी वन सीटों को इंटरनली आर वन एस टू आर टू के रेशो में डिवाइड करेगा ये हम पढ़ते चले आए हैं सर वो अगर टच ना भी कर रहे हो तो यही होता है टच ना भी कर रहे हो तो अगर ये आपका एक एक्सटर्नल लाइन है तो उनके सेंटर्स को डिवाइड करने वाली लाइन ये टी जो है वो आर वन एस टू आर टू में डिवाइड करती है तो हम पढ़ते चले आए हैं ये तो इन जनरल वैसे भी ट्रू होता है ये फॉर्मूला तो 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 कैसे बना ये फॉर्मूला कैसे बना सर मुझे फॉर्मूले रटते नहीं आता ऐसे कितने फॉर्मूले पढ़ूंगा मैं मैं कब तक कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते रहूंगा मतलब क्या क्या रटवाओगे सर आप तो मैं नहीं कह रहा आप रटिए आप समझ लीजिए क्या आपको लास्ट लेक्चर में याद है हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का एक अप्रोच सीखा था इस केस में वो अप्रोच क्या हो जाएगी जरा बात करते हैं देखो ये आपका एक सर्कल रहा होगा और ऑफ कोर्स दूसरा भी आपके पास एक सर्कल रहा होगा और ये दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को क्या किया सर इन दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को टच किया अब जब इन दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को टच किया तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो कि कुछ ऐसी जा रही होगी सर बिल्कुल सर ऐसी जा रही होगी इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लो तो आई थिंक चीज़ है कुछ ऐसी मुझे दिखेंगी थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं है ना तो ये आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसकी लेंथ से आपका क्या तात्पर्य है आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स आप बस एक बात बताओ मान लो इसका ये सेंटर है इन दोनों के अपने अपने सेंटर हैं इन दोनों के सेंटर्स को मैंने आपस में मिलाया मैंने क्या किया इन दोनों के सेंटर्स को आपस में मिलाया और क्या किया हमने इसके सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और सेम इसके सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया क्या आपको नजर आ रहा है आपको किस तरफ लीड किया जा रहा है आई थिंक सर अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूँ तो सर ये तो कुछ मेरा पढ़ा हुआ सा मुझे दिख रहा है ये तो कुछ मैंने पढ़ा है या सीखा है सर ये बात तो मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिखाई गई है या ये बात मुझे सर आती है मुझे पता है मुझे कैसे पता है सर सुनिएगा ध्यान से एक क्वेश्चन ऐसे आप करोगे आप प्लीज़ इस बात को रखना ये आपका सर्कल था फर्स्ट ये आपका सेकेंड सर्कल था है ना इसके इस पॉइंट को लेट से मैं कह लेता हूँ ए इसे मैं कह लेता हूँ बी और इसे मैं कह लेता हूँ सी आप फाइनली निकालने में इंटरेस्टेड हो बी सी आप फाइनली निकालने में ये जो भी लिखा है मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ ना फाइनली निकालने में इंटरेस्टेड हो बीसी बी सी ही तो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है और ऐसी की ऐसी इधर बनेगी वो भी वही लेंथ कैरी करेगी ठीक है चीजें बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी तो बीसी की लेंथ को लेकर आपका क्या ओपिनियन होगा सर बीसी की लेंथ को मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल सा है साहब कैसा आप एक बात बताओ भाई आप एक बात का जवाब दे दो मुझे क्या ये नाइन्टी डिग्री है अरे है कि नहीं सर ये नाइन्टी डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्रैंगल हो गया जो कि वर्टेक्स सी पर राइट एंगल्ड है तो अगर मुझे बी सी चाहिए तो फिर वही बात हाइपोटेनियस यानी ए बी के स्क्वायर में से ए सी का स्क्वायर सब ट्रैक्ट करेंगे है ना तो मैं एंड्रूट लूंगा किसका मैंड्रूट लूंगा सर ए बी यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से किसका ए सी के स्क्वायर का सर आप ए बी बता सकते हो क्या आप ध्यान से देखो ना ए बी क्या है सर ये जो ए बी सी टू सी वन है आपको नहीं दिख रहा ये एक पैरलोग्राम है आपको नहीं दिख रहा क्या है पैरलोग्राम है और अगर ये एक पैरलोग्राम है तो क्लियरली सर हम जानते हैं अगर आपसे कोई ए बी पूछे तो आप उसे कह दोगे सी वन सी टू और सी वन सी टू क्या है सर सी वन सी टू इज़ नथिंग बट उनकी दोनों की रेडियस का सम उन दोनों की रेडियस का सम तो अगर सी वन सी टू मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं सी वन सी टू यानी क्या ए बी ए बी क्या हो जाएगा सर दोनों की रेडियस का सम तो मैं लिखूंगा आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक अच्छा सर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूँ ए सी क्या है ए तो सी क्या है जनाब सर ए सी ये रहा है कि नहीं ए सी क्या होगा ये this, ये माइनस दिस हो हो जाएगा आप समझ रहे ना मैं अगर इसमें से इसको कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा बोलो भाई कोई तकलीफ तो नहीं इस बात में तो जब ए सी जानना हुआ तो सर वो होगा आर वन माइनस आर टू क्योंकि ये पैलोग्राम है ना तो ये जो ए सी वन है वही बी सी वन है तो आर वन माइनस आर टू तो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा आर वन माइनस

यहाँ पे है टू आर वन टू यहाँ पर है प्लस टू आर वन टू वही बात तो ये हो जाएगा फोर आर वन टू और फोर आर वन को लेके आप क्या कहोगे भाई फोर आर वन का जब रूट में लूँगा तो फोर बाहर आ जाएगा और रूट में क्या आ जाएगा दोनों की रेडियस का प्रोडक्ट अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई दोनों की रेडियस का प्रोडक्ट और इस तरीके से आप ये निकालोगे जो कि वो वहाँ भी यही कंक्लूड करना चाह रहा है तो अगर कोई सर्कल्स कनेक्ट करें टच करें एक्सटर्नली अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो मैं कहूँगा उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उसकी लेंथ इज नथिंग बट दोनों की रेडियस के प्रोडक्ट का अंडर रूट का डबल विल बी दी लेंथ ऑफ दैट सर डायरेक्ट निकाल ली आप ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ नहीं निकालोगे क्या ये जो ये वाली टेंजेंट होती है इसकी लेंथ नहीं निकालोगे क्या अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ तो इनफाइनाइट जा रही है ना इसको कोई रोक नहीं रहा है कहाँ रुक रही है बस यहीं तो टच हो रही है कोई दो पॉइंट होते तो मैं समझता तो यहाँ पर तो इसकी लेंथ निकालना मुश्किल है तो बिल्कुल इसकी लेंथ नहीं निकलेगी बस आप क्या निकालेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जब कुछ ऐसा सिनारियो बने इस फॉर्मूले से क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को, को कोई परेशानी क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को, को कोई तकलीफ और अगर आपने अभी तक पढ़ाई गई हर बात को बहुत डिटेल में अच्छे से क्लियर से मैनर में समझा तो क्या हम ये क्वेश्चन ट्राई करें देखिएगा भाई क्या लिखा हुआ है वो लिख रहा है शो दैट दर्कल प्लस ट्वेंटी एंड दर्कल एक्स स्क्सर प्लस एक्स माइनस सिक्स ट्वेंटी जीरो टच ईच अदर कौन सी बड़ी बात है सर ये तो हम कर सकते हैं क्या ये बात पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए फिर क्या पूछ रहे हो फाइंड द coordinates ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर ये भी मैं निकाल लूंगा मुझे आता है जहाँ तक मुझे याद है एंड द इक्वेशन ऑफ द common टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर तीनों बातें मैं निकाल सकता हूँ ये तीनों बातें वही बातें हैं जिनका अभी तक आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं सो टेक्निकली ये क्वेश्चन आपको जो सब अभी तक पढ़ाया गया है उसका रिविजन है और मेरा मानना है आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो सर पहले तो समझते हैं ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा सर इसका सेंटर होगा फाइव कॉमा माइनस टू होगा कि नहीं आई होप ये देख कर आप कह देते हो कहते हो या नहीं सर इस सर्कल का सेंटर क्या होगा इस सर्कल का सेंटर होगा माइनस सेवन कॉमा प्लस थ्री तो इसका सेंटर होगा माइनस सेवन कॉमा प्लस थ्री किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई तकलीफ तो ये हुआ आपका कौन सा ये आपके पहले सर्कल का सेंटर हुआ जिसे मैं सी वन कह लेता हूँ या आपके दूसरे सर्कल का सेंटर हुआ जिसे मैं सी टू कह लेता हूँ अब एक बात का जवाब दीजिए भाई क्या आप पहले सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो जिसे मैं कह लेता हूं आर वन सर बिल्कुल निकाल सकते हैं ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन 7 कोई तकलीफ भाई याद है ना अंडरूट ओवर जी स्क्वास स्क्वायर माइनस सी ही कर रहा हूं मैं तो फिर क्या सर आर टू निकाल लेते हैं सर आर टू क्या होगा गौर फरमाइए फोर्टी नाइन प्लस नाइन फोर्टी नाइन प्लस नाइन कितना होता है सर फोर्टी नाइन प्लस नाइन मेरे ख्याल से होगा फिफ्टी एट है ना मैं भूल रहा हूँ एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है फोर्टी नाइन प्लस नाइन बिल्कुल फिफ्टी एट ही तो होगा सर क्या कर रहे हो आप फिफ्टी एट माइनस ट्वेंटी टू तो फिफ्टी एट में से जब आपने ट्वेंटी टू सब्ट्रैक्ट किया तो आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है क्या फिफ्टी एट में से ट्वेंटी टू तो एट में से टू गए तो सिक्स फाइव में से टू गए तो थ्री यानी थर्टी सिक्स और 36 का कितना? सर 36 का सर रूट सिक्स सर बड़ा मजेदार सा वाक्य हो रहा है कि r1 और r2 r1 और r2 कितने आ रहे हैं सेवन और सिक्स अब अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करें तो मैंने तो जीवन में बस इतना सा सीखा है सर कि आपके दोनों सर्कल्स की रेडियस का सम उनके बीच के सेंटर्स के डिस्टेंस के सम के इक्वल होना चाहिए सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए हाँ या ना तो निकालते हैं सर रेडियस का सम कितना सात और छः तेरह यानी कितना आ जाएगा थर्टीन तो मुझे कितना लाना है इसे थर्टीन है ना थर्टीन किसे लाना है थर्टीन लाना है इनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस फाइव माइनस माइनस सेवन फाइव माइनस माइनस सेवन यानी फाइव प्लस सेवन सात और पाँच बारह बारह का स्क्वायर कितना वन फोटी फोर किसी भी स्टूडेंट को कोई तकल्लुफ है तो बताएं जरा और क्या जनाब और अगर आप आगे बढ़ें माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी और क्या आपको दिख रहा है सर क्यों ज्यादा लिखने में आपको शौक आ रहा है ये आता है 169 और उसका अंडर रूट हो रहा है थर्टीन तो मैं कुछ आगे लिखूँ या आप समझ गए तो सर एक बात तो तय हो गई कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं अब क्या करना है सर अगर ये सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें या ना करें जो भी बात रही होगी वो जो ट्रांसवर्सल टेंजेंट होगी जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगी वो एक ही बनेगी अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली और वो टेंजेंट इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रही होगी और वो टेंजेंट इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को आर वन और आर टू के रेशो में डिवाइड कर रही होगी मतलब इन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का आर वन इस टू आर टू के रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही होगा मेरी बातें डाइजेस्ट हो रही हैं नहीं भाई वो निकाल लेते हैं आई थिंक वो भी आप निकाल सकते हो तो जरा ये पार्ट आप मुझे सॉल्व करके बता दो और मुझे आगे का आंसर बता दो कैसे करा भाई इसके आगे का आंसर निकाला या नहीं देखो सर बड़ी आसान सी बात है जब कोई पूछ रहा है फाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट इसको और इसको सेवन इस टू सिक्स के रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट ही आपका पॉइंट होगा जो कॉन्टैक्ट का पॉइंट होगा दोनों सर्कल्स के एक्सटर्नल जब टच होने पे वो पॉइंट बनेगा तो सर निकाल सकते हैं निकाल लो भाई कैसे सुनिएगा ध्यान से फाइव इंटू सिक्स कितना थर्टी प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन दैट्स कितना माइनस फोर्टी नाइन बात समझ आ रही है क्या और क्या सर सेवन प्लस सिक्स जो कि कितना हो जाएगा थर्टीन ये होगा उसका एक्स कॉर्ड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे फिर से वही बात माइनस टू इंटू सिक्स कितना माइनस ट्वेल्व थ्री इंटू सेवन कितना भाई ट्वेंटी वन और फिर वही बात सेवन प्लस सिक्स कितना थर्टीन ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा आपका क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसे जनरली या यूजुअली हम t से डिनोट कर देते हैं अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ सर कोशिश करते हैं देखो भाई थर्टी माइनस फोर्टी है, आई थिंक माइनस नाइनटीन तो ये हो जाएगा माइनस नाइनटीन बाई थर्टीन तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा माइनस नाइनटीन बाई थर्टीन सिमिलरली यहाँ अगर निकालना चाहूं तो देखो ध्यान से जरा बारह और आठ बीस बीस और एक इक्कीस तो ये हो जाता है नाइन तो ये हो जाएगा माइनस नाइन बाई थर्टीन तो कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा माइनस नाइन बाई थर्टीन एंड दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट अब क्या अब मेरा बस आपसे कहना है अगर वो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो क्या हम जानते हैं रेडिकल एक्सेस के बारे में कुछ कुछ तो अगर मैं आपको रेडिकल एक्सेस की हिंट दे चुका हूं तो क्या बस इस इक्वेशन को देखकर इन दोनों इक्वेशंस को देखकर ही आप मुझे आंसर नहीं बता पा रहे हो क्या सर आई थिंक चीज़ें तो बड़ी आसान है आप बस चीज़ें सोच नहीं पा रहे हो आप बस चीज़ें देख नहीं पा रहे हो बस एक चीज़ मैंने गलत लिख दी है ट्वेंटी वन माइनस ट्वेल्व है आम रियली सॉरी फॉर दिस तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस नाइन बाय थर्टी है ना अब आते हैं काम की बात पर अब अगर आप पूछना चाह रहे हो सर क्या आप पूछना चाह रहे हो कॉमन टेंजेंट तो कॉमन टेंजेंट क्या होती है सर हम बड़ी बेसिक सी बात पढ़ चुके हैं कि कॉमन टेंजेंट ना सिर्फ कॉमन टेंजेंट होती है बल्कि वो रेडिकल एक्सेस भी होती है याद आया क्या और अगर वो रेडिकल एक्सेस होती है तो सर देखो एक्सक्वाइस कर तो गए तो बचा क्या माइनस टेन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स यानी माइनस ट्वेंटी फोर एक्स ये कितना हो जाएगा सर यहाँ से मिलेगा आपको पहले तो माइनस ट्वेंटी फोर एक्स और क्या सुनेगा यहाँ से फोर वाई माइनस माइनस सिक्स वाई ये माइनस सिक्स वाई है माइंडी वन फोर माइनस माइनस सिक्स सिक्स टू बी प्लस टेन वाई और आगे सुनते हैं स्टूडेंट्स काम की बात माइनस ट्वेंटी टर्म जो मिलेगी वो क्या होगी सर हो जाएगी माइनस फोर्टी टू इज इक्वल टू जीरो क्या एक छोटा सा काम आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हाफ कर दो ना तो हाफ किया तो कितना, हो जाएगा मतलब हाफ ले रहा हूं तो कितना ट्वेल्व एक्स ये हो जाएगा माइनस फाइव वाई और ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस कितना ट्वेंटी वन और सर ये जो इक्वेशन निकल कर आई है ये जो इक्वेशन बनकर आई है दिस इज दैट कॉमन टेंजेंट वो जो दोनों के टच होने पर वो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बन रही है ना जो दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रही है ये वो कॉमन टेंजेंट है तीनों बातें क्लियर हैं तीनों बातें क्लियर मतलब मैं तो मैं really अगर मैं आपको चीजें विजुलाइज करवाना चाहूँ तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सॉरी फॉर दिस अगर मैं आपको चीजें विजुलाइज करवाना चाहूँ तो आपके दो सर्कल्स थे बेसिकली इन दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को टच किया हमने प्रूव किया कैसे इनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को उनके रेडियस के इक्वल रख दिया अब आपसे दो बातें और पूछी जा रही थी कि ये कहाँ पर टच कर रही हैं तो वो पॉइंट हमने निकाल लिया कौन सा भाई ये और पूछा जा रहा था कि जो वो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी तो वो भी हमने निकाल ली बहुत डिफिकल्ट बहुत टफ ये क्वेश्चन तो नहीं था आई होप ये बात याद रहेगी बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ एक और चीज़ जो आप याद रखिएगा प्लीज

कि अगर मुझे C1 और C2 के कोऑर्डिनेट्स पता थे जो कि पता थे मुझे है ना तो यहां से C1 और C2 को जॉइन करने वाली लाइन की स्लोप आ जाती और अभी जो रेडिकल एक्सेस है वही आपकी कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट है जो कि परपेंडिकुलर है तो C1 C2 की स्लोप आ जाती है तो इसकी स्लोप भी आ जाती है क्योंकि एम वन एम होता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो और ये ट्रांसवर्सल जो आपकी टेंजेंट है ये एक खास पॉइंट से पास होती जो है पॉइंट ऑफ जो कि मैं इस तरीके से निकाल चुका हूं तो उस तरीके से भी आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते थे याद रखिएगा ऐसा क्यों बता रहे हो सर क्योंकि हो सकता है कभी शायद ये काम ना करे काम तो ये करेगा पर शायद इससे बात ना बन पाए तो मैं फिर ये आइडिया भी यूज करूंगा बातें समझ आ रही हैं क्या बातें डाइजेस्ट हो रही हैं क्या अगर बातें डाइजेस्ट हो रही हैं तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप अगर चाहें तो मेरी दरख्वास्त तो यही है कि आप इसे कर लीजिए ट्रीट एज अ होमवर्क क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन एक बार जरा ट्राई जरूर करिएगा बट एनी वे आई लाइक टू गिव यू दिंट कि इस क्वेश्चन को सोचना कैसे तो बात करते हैं इस बारे में देखो भाई वो कह रहा है दो सर्कल्स हैं है ना इफ़ टू सर्कल्स एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी वाई इज इक्व टू जीरो इज टू है है पर ना दे टच ईच अदर एक्सटर्नली तो तो क्या तो देखो एग्जाम में क्या आएगा वो ऐसा नहीं लिखेगा देन और क्वेश्चन मार्क लगा देगा फिर ऑप्शन में ऐसी अलग अलग बातें लिखी होंगी तो आपको पता करना होगा कि आंसर क्या होगा तो एग्जाम में इस तरीके से आपको चीजें बनाकर पूछ ली जाएंगी तो आप करना क्या है इस क्वेश्चन में वो समझते हैं इस क्वेश्चन को लेकर मेरा आइडिया तो बस इतना सा है सर देखो क्या आप मुझे सर्कल की इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट बता सकते हो सर देखो टू ए एक्स के इधर लाए तो माइनस टू ए एक्स तो एक्स का कोफिशन क्या है माइनस टू ए उसका नेगेटिव हाफ क्या होगा ए और वाई का तो कोई कोफिशंट है ही नहीं तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा सर वो हो जाएगा ए कॉमा जीरो इसका सेंटर क्या हो जाएगा सर इसका सेंटर हो जाएगा देखो एक्स वाली टर्म नहीं है तो जीरो कॉमा भी ये क्या हो गया इसका सेंटर कोई तकलीफ अच्छा सर इन दोनों की रेडियस अगर मैं निकालूं आपसे तो रेडियस क्या आएगी देखो भाई ध्यान से ए स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो इसकी रेडियस क्या आएगी सर इसकी जो रेडियस आएगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोई तकलीफ तो नहीं है भाई ऑब्वियसली इन साइड एन अंडर रूट वो अंडर रूट में ही होगा कोई तकलीफ तो नहीं है सिमिलरली इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी सर इस सर्कल की रेडियस होगी क्या जीरो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर समझ में आ रहा है नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये इन दोनों सर्कल्स की रेडियस है करना क्या चाह रहे हो सर घुमा फिरा के बात इतनी बोल रहे हो काम क्या करना है मेरा कहना है काम खत्म हो गया जनाब बोलो कैसे बोला तो था उसने दे टच ईच अदर दे टच ईच अदर एक्सटर्नली और क्या इसको लेकर मुझे कोई कंडीशन पता है बोलो दोनों सर्कल्स अगर एक दूसरे को टच करे एक्सटर्नली तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उन दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होती है रडाई के इक्वल होती है बिल्कुल होती है सर तो क्या तो देखो भाई दोनों के सेंटर्स के बीच की डिफरेंस ए माइनस जीरो माइनस बी बी स्क् पर क्या लगाया अंडर रूट ये दोनों के के दोनों के के सेंटर्स बीच की की डिस्टेंस इन इंडिविजुअल रेडाए कौन कौन इन दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल रेडियस कौन कौन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ओवर क्या बी स्क्र माइनस सी स्क्र के सम के इक्वल होगी होगी या नहीं जवाब दीजिए बिल्कुल होगी सर अब क्या अब काम की बात सुनना अब अगर मैं सीधे पॉइंट पर आऊँ सर यहाँ तक पहुँचना है ना तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं जैसे इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा सर इसका स्क्वायर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र है ना राइट हैंड साइड पर अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो वो क्या बचेगा सर वो बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स है ना प्लस टू टाइम्स अंडर रूट ओवर अंडर रूट ओवर वॉट ये है ना ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर

किसके इसके इक्वल मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो सी स्क्वार का स्क्वार क्या हो जाएगा सर सी, स्क्वार का स्क्वार हो जाएगा? सी की पार फोर और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या उसे ध्यान से देखना जो बचेगा वो होगा ए स्क्वाइनस क्या बी स्क्र माइनस सी स्क्वायर कोई तकलीफ कोई परेशानी सर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल करिए जब इसे हमने सिंपलीफाई करना चाहा तो क्या मिलेगा बहुत ध्यान से देखना ये पार्ट थोड़ा क्रूशियल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है क्या सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और एक टर्म दिखेगी c टू दी पार 4 तो c टू दी पार 4 तो c टू दी पार 4 से कैंसिल अब जो बचेगा वो क्या है सुनना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो पहले तो क्या दिख रहा है सर पहले तो दिख रहा है आपको एक जो टर्म वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोई दिक्कत कोई परेशानी इसी तरीके से सर आप ध्यान से देखो आपको एक और टर्म मिलेगी क्या मिलेगी ध्यान से देख माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक टर्म क्या मिलेगी सर वो मिलेगी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और क्या मिलेगा सर ध्यान से देखो और टर्म जो मिलेगी वो मिलेगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ऑफकोर्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये क्या होगा ये होगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ऑफकोर्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो क्यों सर क्योंकि जो बचेगा सी टू दी पावर फोर यहाँ वो इससे कैंसिल हो जाएगा अब मुझे कुछ ऐसा पाना है कुछ ऐसे तक पहुँचना है कोशिश करते हैं भाई एक काम करें क्या ये जो एक्सप्रेशन है इसको उठा के उधर रख दें बिल्कुल रख दो सर मैंने क्या किया इस एक्सप्रेशन को उठा के उधर रख दिया या फिर आ, एक ही बात है ऐसा किया है ना तो जैसे ही ऐसा किया तो यहां पर क्या जाएगा ये इक्वल साइन और इनके बीच में क्या जाएगा प्लस साइन कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं अब सर मैं एक छोटा सा काम ये करना चाह रहा हूं कि मैं तीनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ मैं तीनों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ क्या लिखा है बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है क्या ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसके अपॉन में भी क्या ले आता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सो दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये यहाँ कैंसिल ये आई थिंक यहाँ कैंसिल और ये जो है यहाँ कैंसिल तो कंक्लूड मैं कर पा रहा हूं कि सर वन अपॉन सी स्क्वायर जो यहां बच रहा है वो यहां से वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहां से वन अपॉन बी स्क्वायर के इक्वल होगा एंड दिस वुड बी द फाइनल करेक्ट ऑथेंटिक आंसर क्या इसमें कहीं भी कोई डाउट आई थिंक सर एक जेनविन सा आसान सा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको सर्कल के बेसिक से डील करते हुए इस कंसेप्ट पर बात करनी थी इस इस कंसेप्ट पर बात करनी थी है ना इस कंसेप्ट पर बात करनी थी आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो अभी हमने क्या चीज़ें समझी अभी तक हमने ये देखा कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो चीज़ें कैसे बिहेव कर रही हैं चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं उस पर आपको कैसे सोचना है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब हमने देखा आई थिंक बहुत डिफिकल्ट ये कंसेप्ट नहीं था सिंगेज बुक के थ्रू आपको ये जो आई आई टी जी जे डब्ली मेन्स और एडवांस की जो तैयारी करवाई जा रही है जहाँ पे इलेवंथ ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का हम कवर कर रहे हैं इसमें बहुत थरली और बहुत कॉम्प्रहेंसिवली हर एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और उससे कंसॉलिडेट करने के लिए हम उसमें इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस और जे डब्ल एडवांस्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाई जा सके ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्लेलिस्ट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड यू नो you know, बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड मैनर में एक्सेसिबल है आपको क्या करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक उसके आगे लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आई आई टी जी मीन्स एन वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्ले ओपन हो जाएगा इसमें एक प्लस बटन दिखाई देगा वो प्रेस करके आप इसे अकाउंट में अपने सेव करके रख सकते हैं तो ये प्लेलिस्ट हमेशा आपके पास रहेगा मतलब आपका कोई अपडेट मिस नहीं होगा आप हमेशा सिंक में रहोगे आपको पता रहेगा कि कितने वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं आपने कहाँ तक देख लिया है तो आपका कोई बैकलॉग तो क्रिएट नहीं हो रहा है आपको पता है ना हम आपके लिए डेली दो वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं और इस तरीके से आपके लिए पूरी चीज़ें प्लान मैनर में करवाई जा रही है ताकि टाइमली आपका आई आई का मेन्स और एडवांस का पूरा सिलेबस टाइमली हम कंप्लीट करवा दें और एक अच्छी तैयारी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजें इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स बिल्कुल मत भूलना कि आपसे कोई सब्सक्रिप्शन लेने को हम नहीं कहते हैं हमारी कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती ऐसा नहीं होता है कि अब कोई ट्रायल वर्जन होता है फिर कोई पेड वर्जन होता है हम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड अलग boards, अलग बोर्ड्स अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि हम चाहेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि वो भी इन मॉड्यूल से बेनिफिट हो पाएँ और अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाएँ कहीं पर भी कोई परेशानी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कमेंट में लिखेगा हम जरूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको आंसर करेंगे अगर क्वेरी रेलिवेंट रही तो प्रॉपरली नोट्स बनाइए अच्छे से मेहनत करिए क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए हमेशा बस क्वेश्चन सॉल्व करिए वही एक अच्छा तरीका है इन कंसेप्ट को कंसॉलिडेट करने का आई थिंक आज के लेक्चर में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं मेरा यकीन है चीज़ें अगर स्मूथली चल रही हैं तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ख्याल रखिए अपना वी आर कॉलिंग टूडे हेयर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच